वो तो है क्योंकि लास्ट मैच है तो मिलना भी चाहिए, लाजमी है। बट इस समय कोई ना कोई यहाँ पे कई टीमें ऐसी हैं जिनको इस चीज के चलते बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करने को। कमाल का एक शॉट यहाँ पे कनेक्ट किया माफिया ने, 61 फिनिशेस, 54 प्लेसमेंट्स, बहुत ही ज्यादा बदलाव। लेकिन सेकंड पे एक टीम ने जरूर से यहाँ पे झंझोर दिया है, 92 पॉइंट्स, शतकीय पारी से 8 अंकों से रह गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत बढ़िया मुकाबला खेला है। अगर हम गैप की बात करें तो गैप ज्यादा नहीं, 23 अंकों का गैप है, और 23 अंकों का गैप कवर किया जा सकता है, सिंगल हैंडली नहीं कह सकते बट हाँ किया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे अच्छे खासे फ्रैग्स हमें देखने को मिले जरूर हैं, एंड कहना के सीआरएम की बात करते 79 पॉइंट उन्होंने सिक्योर करे, बट जो डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जिस तरीके से हमने बताया वो काफी सही है। बट यहाँ पे आप नजर डालिए 150, 92, 79, एंड उसके बाद कोबरा लेजेंड की बात करते 71 पॉइंट सिक्योर करते हुए, हेक्स स्पोर्ट्स 63 पॉइंट के नजर आए, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी खासी जो स्कोर्स है वो टीम्स की तरफ से, कुछ टीम्स की तरफ से नजर आई, कुछ टीम्स अभी भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेबल बने हुए हैं। टीम माफियास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो टॉप थ्री पे बने हुए थे वो जो पोजीशन है वो यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हमें देखने को मिली है, टीम माफियास अंदर 8th पोजीशन हमें नजर आई है अंक तालिका के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा खटकने वाली है उनके दर्शकों को, एंड उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो यहाँ पे लाइक हाँ यहाँ पे इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगतान करना भी पड़ेगा, ऑलरेडी पड़ चुका है। एंड कहना कि यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि D2 के ग्रैंड फिनाले के D2 के अंदर उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि जो 8वें पायदान के अंदर मौजूद है मैं भी यहाँ पे टॉप 3 के अंदर आना पॉसिबल रहेगा उनके लिए, बट वो देखा जाएगा कमबैक।